नमस्कार भैया बहनी, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। रीवा जिला के सलगी 3434 आंगनबाड़ी के बढ़िया व्यवस्था दे खातिर एडाप्टन आंगनबाड़ी योजना चलाई जात लाही बह। यह योजना जिला प्रशासन के एक अनोखी पहल है, जो निवाही अधिकारी और समाज सेवी सहयोग कई के आंगनबाड़ी केंद्रन का गोद लेके ओके हालत का सुधारे और बच्चन का कुपोषण से मुक्त करावे के पहल किन्ही। रीवा जिले में एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी जो योजना है उस अभियान के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ियों को एडॉप्ट कर लिया गया है और आज पूरे जिले की सभी आंगनवाड़ियों में जिन लोगों ने भी इसे एडॉप्ट किया है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनजीओ हैं, उन सभी लोगों ने सभी आंगनवाड़ियों को विजिट किया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि महीने में कम से कम दो बार ऐसी विजिट हो और इसके माध्यम से लोगों को आंगनवाड़ियों से जोड़े और आंगनवाड़ी की सुविधाओं को बेहतर करें। रीवा माही घरे माँ काम करे वाली महिला के साथ एक पुलिस कर्मचारी मारपीट करी नहीं हुए। महिला के आरोप हवे के उनके साथ गाली गलौज कई के धमकी दीन, जहां विरोध करे माँ जान से मारे के धमकी दीन ही हुए। पीड़िता महिला थाने पहुंच के शिकायत दर्ज कराई नहीं हुए। यह मामला पुलिस थाना तक पहुंच गया, जहां मामला दर्ज कई के विवेचना की जा रही हवे। अपना बताए दी के अमहिया थाना के 33 क्वार्टर पुलिस लाइन में रहे वाले आरक्षक दशरथ सिंह समान थाना क्षेत्र के पोखरी टोला के रहे वाली महिला मीना सोधिया के संगे विवाद करें। दशरथ सिंह के ऊपर पहले व आपराधिक मामला दर्ज हमा, जो उनके अबा पुलिस लाइन में तैनात हमा। बुलेटिन की अगली खबर शहडोल से हवे, जहां के जयसिंह नगर थाना से लगभग 15 किलोमीटर के दूरी में कनाड़ी के लगे जयसिंह नगर मानपुर सड़क में ही ट्रक और बुलेरो के भिड़ंत में दर्दनाक हादसा हुई गया हवे। घटना में ही जहां बुलेरो चालक मौके में ही दम तोड़ दीन, तब है 9 जने गंभीर घायल हुई गए हमा। सभी जने का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयसिंह नगर भेजा गया, जहां से स्थिति गंभीर होने के कारण सबका शहडोल लाभा गया है। यह दुर्घटना के बाद चालक मौका से फरार होगा। हादसा इतना भयानक रहा कि ट्रक के सहुए के हिस्सा बुलेरो के ऊपर चढ़ेगा और वो कर्चा का टूटेगा। सीधी माही भाजपा विधायक के खिलाफ माही खबर लिखे पर पत्रकार का थाने में बंद कई के और उनका कपड़ा उतरवावे के मामला सामने आबा है। एकल के सीधी पुलिस अब सवालन के घेरे में फंस गए। पुलिसकर्मी अर्धनग्न कई के फोटो खींचिन और वो का वायरल कर दिन। फोटो माही पत्रकार कनिष्क तिवारी के साथ है, 9 जने अंडरवियर में नजर आवतला हमा। सीधी SP मुकेश श्रीवास्तव बताएं कि मामला साउहे आए के बाद थाना प्रभारी मनोज सोनी और एक थे सब इंस्पेक्टर का लाइन अटैच कर दिन का है और सलगे मामला के जांच खातिर ASP का जिम्मेदारी दिन गई है। नहीं, जो बात आ रही न्यूड वाली बात आ रही, ऐसा न्यूड नहीं है, सभी लोग अंडरवियर पहने हुए हैं। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से उनको अंडरवियर हवालात में इसलिए रखते हैं ताकि कोई व्यक्ति ऐसी फांसी वासी ना लगाए, क्योंकि कई घटनाएं घट जाती हैं कपड़े पहन के लोग फांसी लगा लेते हैं, तो हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको रखते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। बुलेटिन की अगली खबर सेमरिया तहसील से हवे, जहां के किसानन के खड़ी फसल शॉर्ट सर्किट के कारण आगे से जल के राख हो गए। बड़ी मुश्किल के बाद स्थानीय लोगन के मदद से आगे में काबू पावा गया हवे। बतावा जात हवे के लाखन रुपये के फसल जल के घटना में ही राख हो गए। ग्राम पंचायत बमहनी अजमेर माही बालेंद्र शेखर के खेत में आगी लग गए, जौने में 1 हेक्टेयर के गेहूं जल के राख हुई गया हवे। बतावा जात हवे के बमहनी अजमेर निवासी गणेश प्रताप सिंह चोरी से मोटर चलावा था, जौने के कोनो जानकारी बिजली विभाग के लगे नहीं आए। सरहंगाई कई के खड़ी फसल गेहूं के खेते में ही बिजली के तार बिछाए के मोटर चलावत रहे और वही बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट से आगे पकड़ ली। अरे का वो पूरे नु आ रहे हमका कई और डारा एंड डारा डंडा मा डंडा मा हम कई अब
अब कुछ दिन पहले रीवा जिला के बैकुंठपुर क्षेत्र में ही जन्मदिन के समय में धनाधन गोली चलाए के अपन वीडियो बनाए के सोशल मीडिया में अपलोड करे वाले एक आरोपी का पुलिस गिरफ्तार कर ली सिवे और रासुका के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जबकि वीडियो में दिखाए वाला दूसर शख्स फरार हवे जेखर तलाश की जाला ही जो उनके स्कूल शिक्षक बतावा जात हवे। बतावा जात है कि दोनों जन्मदिन के खुशी में ही जम के हर्ष फायर करीब जोने के बाद एक वीडियो बनाए के सोशल मीडिया में वायरल कर दी। ये जो आपके संज्ञान में आया होगा, दो तीन दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि बर्थडे पार्टी मनाने के दौरान दो व्यक्तियों के द्वारा हर्ष फायर किया गया और गोली चलाई गई थी। उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम नीलेश प्रताप सिंह है, जो बैकुंठपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया, ये जिलावदर का भी आरोपी था। उसका उल्लंघन करने में इसके विरुद्ध संबंधित धाराओं के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, उसमें कार्रवाई की जा रही है। साथ ही क्योंकि इसने इतना भय आक्रांत कर रखा था जिस तरह से दिखाई दे रहा वीडियो में, उसके आधार पर और थाना प्रभारी के प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा कलेक्टर साहब को NSA का प्रतिवेदन भेजा गया था, जिसके आधार पर इसका NSA का वारंट जारी हुआ जिसमें इसकी गिरफ्तारी भी हो गई है और वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही सिमरिया थाना अंतर्गत भी एक चंदन सिंह उर्फ धीरन सिंह, इसका भी NSA का प्रकरण पंजीबद्ध करके प्रस्तुत किया गया था, जिसमें इसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसको भी पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। करेक्ट, उसमें जानकारी पुलिस को लगी कि वो टीचर है और उसके विरुद्ध के वो टीचर कैसे और उसके जो आपराधिक प्रकरण पूर्व से पंजीबद्ध हैं और उसने भी इस तरह का कृत्य किया है, उसके लिए कलेक्टर को उसको अध्यापक पद से हटाने के लिए उसको विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। साथ ही उसके तलाश की प्रक्रिया भी जारी है, उसमें टीम बनाई गई है, पुलिस लगातार उसको तलाश करे, शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।